प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तंवर ने कहा कि आज केंद्र की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अशोक तंवर ने केएमपी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि केएमपी घोटाले का हाईवे है, जैसे आज सरकार बैठ गई है वैसे ही बारिश में केएमपी भी बैठ जाएगा। बिना केएमपी का काम पूरा किए और जांच की श्रेय लेने के लिए बीजेपी ने मोदी से उद्घाटन करवाया है। और मजबूत किया जाए जमीनी स्तर पर, हमारा जनसंपर्क अभियान पूरे देश में जारी है और वो हरियाणा में भी तमाम साथी उसमें और मजबूती से भागीदारी करें। आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की खट्टर सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और एकमात्र राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को देश का गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, छोटा व्यापारी, ये सब लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी का वो देखने के लिए और जहाँ जिन प्रदेशों में अभी चुनाव है वहाँ भी साथियों की ड्यूटी लगाने के लिए आज हमारे ओबीसी के ये डिपार्टमेंट की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। भाई राकेश भडाना जी हमारे चेयरमैन हैं, तमाम और साथी हैं, सबकी ड्यूटी भी लगाएंगे और उन प्रदेशों में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो